राजस्थान के बाड़मेर निवासी खेतेश ने अनूठी पहल करते हुए पीपल के पत्ते पर जागरूक टाइम्स नाम उकेरते हुए नजर आए। खेतेश ने पीपल के पत्ते पर उकेरी गई जागरूक टाइम्स तस्वीर बनाते हुए खेतेश की पहल की सराहना करते हुए बताया कि ऐसे चित्र अन्य आकृति बनाना का सिलसिला जारी, युवाओं को मिलेगी प्रेरणा। उल्लेखनीय है कि खेतेश समय समय पर इस तरह कला के जरिए सामाजिक सरोकार के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाते रहे हैं। खेतेश किसी कैनवस पर नहीं पेड़ के पत्तों पर आर्ट बनाते हैं। उनके मुताबिक पत्तों पर आर्ट वाला आइडिया लॉकडाउन में आया। खेतेश को बचपन से ही ड्राइंग करना बहुत पसंद था। उन्होंने लॉकडाउन में अलग अलग आर्ट बनाना शुरू किया। इसके तहत पेंसिल स्केच, पेंसिल कार्विंग, तरबूज आर्ट, पीपल का हरा पत्ता लेकर पेन से आर्ट बनाकर पेन चाकू से पत्ते के अतिरिक्त हिस्से को काटकर अलग कर देते हैं ताकि लीफ आर्ट साफ दिखाई दे। खेतेश आर्ट को बनाते समय खूबसूरत तकनीक दर्शाते हैं। वे बताते हैं कि एक लीफ आर्ट को बनाने में 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। खेतेश का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। मेरा नाम खेतेश है। ये आपने कब से ये मतलब जो ये पीपल पे जो चित्रकारिता करना शुरू किया है? मैं बचपन से बनाता हुआ आ रहा हूँ और प्रोफेशनल मैंने लॉकडाउन के बाद स्टार्ट करा। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा मुझे लॉकडाउन में फ्री टाइम बैठे थे तो यूनिक आर्ट मैंने स्टार्ट किए। इसके लीफ आर्ट के अलावा भी बहुत सारे मैंने आर्ट बनाने सीखे लॉकडाउन में, फ्री टाइम बैठे रहते थे। कौन कौन सा बनाया आपने? मैंने लीफ आर्ट, माइक्रो आर्ट, वाटरमेलन, स्केच। और पीपल पे किन किन के आपने चित्र बना के दिए अभी तक? पीपल पे मैंने इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स और आर्मी के ऑफिसर्स, बीएसएफ, बहुत सारे मैंने तैयार किए। डॉक्टर उमा चौधरी का भी आपने देखा है? वही हमने आपने अच्छा सा पीपल का चित्र बना के भेंट किया। मैंने उमा देवी जी का भी बनाया था। इससे आगे आप क्या करना चाहते हैं? हम आर्ट के चित्र में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। आप आमजन को क्या संदेश देना चाहते हैं? आमजन को यही संदेश देना चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ में या फिर जो भी है घर में फ्री बैठे है, वो भी आर्ट सीखे, उसमें अपनी जो भी हुनर है, कला है, आगे लाए। आपको यहाँ जिला स्तर पर अन्य कहाँ का सम्मान मिला? जी, जिला स्तर पर मुझे 2 बार सम्मानित किया गया है। कौन कौन सन में? जी, जो होता है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर। इसके अलावा मैंने इंडिया और एशिया बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया अपना। हो गया है? जी बिल्कुल। अच्छा। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।